सीएम हेमंत सोरेन आज लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करेंगे। प्रोजेक्ट भवन में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की जाएगी। विधि व्यवस्था, पुलिसिंग समेत कई मामले की जानकारी लेंगे सीएम हेमंत सोरेन। इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी समेत पुलिस अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन आज लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करेंगे। प्रोजेक्ट भवन में ये समीक्षा बैठक होगी। विधि व्यवस्था, पुलिसिंग समेत कई मामले की इस बैठक में जानकारी लेंगे सीएम हेमंत सोरेन। आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी समेत पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। सीएम हेमंत सोरेन आज लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक प्रोजेक्ट भवन में, जहां लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की जाएगी। विधि व्यवस्था, पुलिसिंग समेत कई मामलों की जानकारी लेंगे। सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, आज सीएम हेमंत सोरेन समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें वो लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करेंगे। कितने बजे ये बैठक निर्धारित है, किन चीजों पर समीक्षा की जाएगी? अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तकरीबन 8 से 9 बिंदुओं पर यह समीक्षा बैठक आहूत की गई है, चाहे वो राज्य की विधि व्यवस्था हो, अवैध उत्खनन का मामला हो, या अवैध लोडिंग जैसी जो बातें आती हैं, कैसे पीपल्स फ्रेंडली पुलिस बन सके, इस पर फोकस किया जाएगा। और साथ ही साथ जो सीमावर्ती राज्यों से सटा हुआ जो जिला है, वहां पर किस तरीके से मजबूती के साथ पुलिस जो है वो काम करे, और साथ ही साथ जो नक्सलवाद जैसे इलाके जो प्रभावित है, हालांकि अब इसमें कमी आई है, वहां पर किस तरीके से एक्ट करना है, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन होना है। कल योजनाओं को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने समीक्षा दी थी, और आज इन विषयों को लेकर राज्य के आला पुलिस अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से आधे घंटे के बाद बैठक करेंगे। और इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव के अलावा राज्य की गृह सचिव, राज्य के डीजीपी और जो पुलिस के आला अधिकारी है उनकी मौजूदगी होगी। जिस तरीके से कल रिवेन्यू कनेक्शन के साथ साथ अन्य विषयों पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया था, तो आज भी, क्योंकि इससे पहले भी जब सीएम ने ये बैठक की थी राज्य के आला पुलिस अधिकारियों के साथ, तो उसमें कई कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए थे। थाना स्तर पर भी किस तरीके से पुलिस की उपस्थिति होनी चाहिए, कांडों का उद्भेदन किस तरीके से तय समय पर हो सके, और जिस तरीके से पिछली बार मुख्यमंत्री ने यह डायरेक्शन दिया था कि बिना वजह कोई बेगुनाह जो है किसी मामले में थाने का चक्कर लगाता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। अवैध खनन जो झारखंड में कई जगह देखने को मिला है, कोयला की तस्करी की बात हो, विधि व्यवस्था की बात हो, हाल के दिनों में जो घटनाक्रम घटे हैं उसकी अगर बात कर ले, तो फिर से मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर दिशा में काम करने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। और उसी कड़ी में अभी की जो वस्तु स्थिति है, चुनाव कार्य के बाद कैसे आगे बढ़ना है, बचे हुए समय में कैसे काम करना है, और कैसे राज्य की जनता को ये महसूस हो कि राज्य की पुलिस उनके लिए काम कर रही है, उनके साथ जो उनका व्यवहार है वो फ्रेंडली है, इन तमाम चीजों पर डायरेक्शन दिया जाना है। और जो जानकारी मिल रही है कि कुछ कुछ विषयों पर कड़े निर्देश, दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री आज राज्य के पुलिस के आला अधिकारियों को देने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज सीएम हेमंत सोरेन लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करेंगे। प्रोजेक्ट भवन में समीक्षा बैठक, जहां विधि व्यवस्था, पुलिसिंग समेत कई मामले की जानकारी वो लेते नजर आएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।